अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। दोस्तों, ये कहना था नेपोलियन बोनापार्ट का और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसी की कहानी। तकलीफें हम सभी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग तकलीफों का मुकाबला करते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, तो क्या हम हार मान लें? नेपोलियन बोनापार्ट की ये एक छोटी सी कहानी शायद आपके हौसलों को बुलंद कर दे, ताकि अगर आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो आप उसका सामना मजबूती के साथ करें। आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहादुर, निडर और महान शासक था, जिसको इतिहास के पन्नों पे संसार के एक महान विजेता और सेनापति के तौर पे लिखा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में अजाशियो नाम की एक जगह पे हुआ था। पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट और माँ का नाम था लेटीजिए रमोलिनो। नेपोलियन बोनापार्ट का विवाह मेरी लुइस के साथ हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है, और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी जिंदगी में बहुत से असंभव कामों को संभव कर दिखाया था। नेपोलियन बोनापार्ट को जोखिम भरे काम को करना अच्छा लगता था। एक समय की बात है जब नेपोलियन बोनापार्ट को किसी युद्ध को करने के लिए आल्पस पहाड़ को पार करके जाना था। नेपोलियन बोनापार्ट के सिपाहियों ने आल्पस पहाड़ की ऊंचाई और उसके कठिन रास्तों के बारे में सुना था, और सबको ये मालूम था कि आल्पस पहाड़ को पार करना नामुमकिन था। जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के लिए निकला तो उसको रास्ते में एक बुजुर्ग औरत मिली, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट को कहा कि वो अपने सैनिकों को लेके वापस लौट जाए, क्योंकि आज तक आल्पस पहाड़ को पार करने की जिसने भी कोशिश की है वो जिंदा नहीं बचा है। ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक और भी ज्यादा डर गए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इस बात से डरा नहीं और उसने उस बुजुर्ग महिला को अपना कीमती हीरों का हार भेंट देते हुए कहा कि मुझे जोखिम भरे काम करना पसंद है और आपने मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद कर दिया है। अगर मैं आल्पस पहाड़ को पार कर लेता हूँ और जिंदा लौट के आता हूँ तो आप ये बात सभी को जरूर बताना। वो बुजुर्ग औरत नेपोलियन बोनापार्ट की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और उसने नेपोलियन बोनापार्ट को आशीर्वाद भी दिया कि तुम जरूर आल्पस पहाड़ को पार करके अपने मकसद में कामयाब होगे। लेकिन सैनिकों को कौन समझाता और उन लोगों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी सैनिकों को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या किसी ने आल्पस पहाड़ को पहले कभी देखा है। सभी सैनिकों ने कहा कि उन्होंने पहले आल्पस पहाड़ को नहीं देखा है। इस बात पे नेपोलियन बोनापार्ट ने सैनिकों से कहा कि तुम सब मेरे साथ आगे बढ़ो, जब आल्पस पहाड़ आएगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, फिर तुम लोग मुझे बता देना कि तुमको आगे बढ़ना है या नहीं। सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट की इस बात से तैयार हो गए और उन लोगों ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। 2-3 दिन चलने के बाद सैनिकों को एक पहाड़ दिखाई दिया तो उन लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा कि क्या यही आल्पस पहाड़ है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि नहीं, ये वो पहाड़ नहीं है, ये तो एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ को पार करने के बाद इससे करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा एक और पहाड़ आएगा, वही आल्पस पहाड़ है। ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट की सेना आगे बढ़ गई। उस पहाड़ को पार करने के बाद वो सभी एक बड़े से मैदान में पहुंचे, जहां आगे सिर्फ मैदानी इलाका था। ये देख के सैनिकों ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा कि आल्पस पहाड़ अभी कितना आगे है। ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट हंसा और बोला, किस आल्पस पहाड़ की बात कर रहे हो, आल्पस पहाड़ तो हम लोगों ने पार कर लिया है। ये सुनकर सैनिक आश्चर्य से भर गए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उन लोगों ने इतनी आसानी से आल्पस पहाड़ को पार कर लिया है। नेपोलियन बोनापार्ट के उठाए गए इस कदम ने उसके सैनिकों का हौसला और भी ज्यादा बुलंद कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट वो युद्ध भी नहीं हारा। नेपोलियन बोनापार्ट को अपने ऊपर पूरा विश्वास था और यही कारण था उसको अपने जीवन में बहुत बार सफलता मिली, जिसने उसको एक सिपाही से फ्रांस का सम्राट बना दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की लंबाई कम थी और इसलिए उसको लिटिल कॉर्पोरल भी कहा जाता है, लेकिन अपने बुलंद हौसलों के कारण उसने जिस ऊंचाइयों को छुआ उसको चुनौती देना भी किसी बहादुर योद्धा के लिए आसान नहीं था।